नाम क्या है, वो ताकत जिसके जरिए ये शिव नेत्र जो दो आंखों के बीच में है, ये शिव नेत्र कहा गया, दसवां द्वार कहा गया, सिंगल या थर्ड आई कहा गया, नुक्ता सफेदा कहा गया, इसका खुलना और वो शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची हुई उसके साथ जुड़ना, उसी को नाम कहा जाता है। जो नाम दान कहा जाता है या दीक्षा कहा जाता है, वो हमारी अंदरूनी आंख का खुलना है ताकि हमारी आत्मा का हम अनुभव कर पाए। हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है और वो 24 घंटे चल रहा है और 365 दिन साल में चल रहा है, तो हमें उस शब्द के साथ जुड़ना है। आपके घरों में, सबके घरों में टीवी होगा, आपके पास रिमोट कंट्रोल्स भी हैं, आप उसको दबाते हैं तो कभी स्पोर्ट चैनल आते हैं, दोबारा दबाते हैं तो न्यूज़ की चैनल आते हैं, कुछ और दबाते हैं तो कुछ और प्रोग्राम आ रहा है। और ऐसे ही एक चैनल पिता परमेश्वर की भी है जो 24 घंटे चलती रहती है और उसके साथ हम जुड़ सकते हैं अगर हमारा ध्यान उस और होगा। ध्यान हमारा इस वक्त कहाँ है? बाहर की दुनिया में। ध्यान है कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप, इस समय इंद्रियों के जरिए वो ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। आंखों से हम क्या देते हैं? बाहर की चीजें देते हैं। कानों के साथ सुनते, सबकी आवाजें बाहर की। सूंघते नाक से क्या है? जो चीजों की सुगंध होती है। चखते जबान से क्या है? जो बाहर के पदार्थ हैं जो हम खाते हैं। और स्पर्श की इंद्रिय क्या है? जो बाहर से कुछ हमारे शरीर को कहीं भी कुछ लगता है तो उसकी फीलिंग आती है हमें। तो 5 इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो हमें करना क्या है? अंदर की दुनिया में जाने के लिए करना क्या है? उसे अंदर की ओर खींचना है। उसे अंदर की ओर कैसे खींचें? सबसे पहले तो एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, और शोरगुल नहीं होगा तो इस सुनने की इंद्रिय अपने आप खींची चल जाएगी। बाहर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही तो ध्यान बाहर जाएगा नहीं। जब हम बैठते हैं, चाहे हम हज़ारों की तादाद में बैठ सकते हैं, हम देखें शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा हम हिल जाएंगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय है वो अंदर को खींच जाए। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, ये पूरी धरती प्रभु ने बनाई है, सारी जगह पवित्र है। हमें कोई अगरबत्ती जलाने की लोड़ नहीं, कोई एटमोसफेयर बदलने की लोड़ नहीं, ताकि ये जो सूंघने की इंद्रिय है अंदर को खींच जाए। जब हम ध्यान टिकाएंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं, जब चखने की इंद्रिय खींच जाएगी और बैठ के आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय खींच जाएगी। तो 5 इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? जैसे हम आंखें बंद करके बैठेंगे हमें कोई ना कोई विचार आ जाएगा, घर का विचार, बाहर का विचार, कल क्या गया उसका विचार, कल क्या करना उसका विचार, दुनिया में क्या हो रहा उसका विचार, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा उसका विचार। कोई विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला जाएगा और हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे। तो विचारों को दूर करने के लिए महापुरुष समझाते हैं कि हम मन जो हमें विचार भेजता है उसकी ताकत का इस्तेमाल करें। हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, रूहानी रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के रास्ते बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने मन को प्रभु की ओर करते हैं। कैसे? मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करके। जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो ध्यान प्रभु की ओर जाता है, मन की सारी ताकत प्रभु को याद करने में लगती है और उसके पास ताकत नहीं रहती हमें विचार भेज सके। तो उस अवस्था में जब शरीर शांत है, 5 इंद्रियां अंदर की ओर और मन भी हमें विचार नहीं भेज रहा, तो हमारे सामने अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह देखते हैं। ये रोशनियां तरह तरह की हो सकती हैं, सुनहरे रंग की, सफेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आई और चली गई, आई और चली गई। हो क्या रहा है? प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा दिखता है। समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे लगते हैं जैसे रोशनियाँ टिकी, क्योंकि आप हर समय रोशनी देख रहे हैं। फिर आप रोशनियों से आगे चले जाएंगे,
आपको ऐसे लगे जैसे एक आसमान है, पहले उसमें लगता है धुंधले धुंधले बादल हैं, वो हटते हैं, ऐसे लगता है जैसे पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं, जैसे सितारे टिमटर आ रहे हों। सबसे मोटे है चमकीले सितारे में देखिएगा, वो आपको रास्ता देगा अंदर के, चंद्रमा तक पहुँचेंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे, उसको भी आप पार कर जाएंगे और अंदर के सूर्य में पहुँचेंगे। और जब बड़े प्यार से आप सूर्य में देखेंगे तो आप अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते, जिन्होंने आपको नाम की देन दी है, और उनकी आंखों में देखिएगा और वो आपको अंदर की दुनिया में पिंड से आन, आन से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पार, ब्रह्म पार ब्रह्म से सचखंड ले जाएंगे। और हर एक स्टेज पे एक एक शरीर हमारे से दूर किया जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि हमारे अंदर इतनी रोशनी जितनी 16 सूर्य की हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 शरीर चढ़े हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मी, रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। ये जो लैंप्स हैं इनकी रोशनी बहुत तेज है, इनके ऊपर 4 मोटे मोटे कमल डाल दें तो कोई रोशनी दिखेगी नहीं। तो अपने आप को जानने का तरीका है कि एक एक करके इन शरीरों को अपने आप से अलग किया जाए, ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में, उस आत्मिक अवस्था में पाएं। और जब अपने आप को आत्मिक अवस्था में पाएंगे, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, अपने आप को जानना, और फिर हम पिता परमेश्वर में लीन हो जाएंगे, जिसे कि गॉड रियलाइजेशन कहा गया। तो ये कार्य करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। अगर हम इस ओर ध्यान देंगे तो हम असलियत को जान सकते हैं, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम पिता परमेश्वर की संतान है, हमारा बर्थ राइट, हमारा हक है कि हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाएं। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि हम जो नाम का कार्य है, जो शब्द के साथ जुड़ना है, वो करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर की अंश हैं। बार 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 महात्मा ने समझाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार, कि हमने प्रेम पिता परमेश्वर से करना है। और जब सही मायनों में पिता परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी संतान, हर एक इंसान से हमें खुद ब खुद प्रेम हो जाएगा। इसीलिए एक जगह और संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। ये जाने कि हम में से हर एक अपना ही है, कोई पराया है ही नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर एक आत्मा है जो प्रभु का अंश है। वो यकीन तब होता है, अंदर से हम मानेंगे तब, जब अपने अंदर प्रभु के ज्योत के दर्शन करेंगे। अगर हमने अपने अंदर ही नहीं कभी प्रभु की ज्योत के दर्शन किए, तो कभी ये ख्याल ही नहीं आ सकता कि औरों के अंदर भी वो ज्योत जग रही है, कि हम उनसे अलग नहीं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं, कि जिंदगी ऐसी हो कि कोई गैर रही ना, कि उनको भी हम अपनाएं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, परिंदे, मछलियाँ, इन सब में भी प्रभु का अंश है, ये भी हमारे छोटे भाई बहन हैं। और जब हम प्रेम से इस धरती पर जिएंगे तो हम देखेंगे कि जिंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर होगी, और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कई एग्जाम्पल्स लिए हैं हमें समझाने के लिए कि उन अवस्थाओं में भी किस किस्म की लाइफ होती है। फरमाया कि हिरनी होवा वन बसा, जो हिरन है वो जंगल के अंदर रहता है, कंद मूल चुन खाओ, और कंदुमनी के जो होती हैं रूट्स वही खाता है वो, तो वो एग्जांपल ले रहे हैं हिरन का। अब हिरन क्या है कि हिरन बहुत नाजुक सा एक जानवर है और बड़ी तेजी से भागता है, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जब उसको ढोल की आवाज़ सुनाई देती है तो सुनने में मस्त हो जाता है,
और उसी तरीके से एक इंद्री, खाली सुनने की इंद्री उसकी प्रबल है, उसके जरिए वो पकड़ा जाता है या फिर उसको के जू में डाल देते हैं, कुछ और करते हैं उसके साथ। तो अगर हिरण हो तो करना क्या चाहिए? वो कह रहे हैं कि गुर प्रसादी मेरा सह मिले, वार वार हो जाओ जियो। वो कह रहे हैं कि उस स्टेट में भी गुर प्रसादी, कि किसी गुरु का मुझे प्रसाद मिले। गुरु का प्रसाद क्या? ये बाहर के प्रसाद की बात नहीं कर रहे, कि अगर किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो एक हिरण के ऊपर भी पड़ेगी तो उसको भी अगली बारी एक मानव चोला में आने का चांस मिलेगा, और उस टाइम के संत सदगुरु के जरिए नाम के साथ वो भी अपने घर वापस जा सकेगा, 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकेगा। तो फरमा रहे हैं कि अगर मैं हिरण भी हूँ और मुझे पता है कि हिरण की स्टेट में सुनने के कारण हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ, मगर मैं गुरु का प्रसाद पाऊँ ताकि अंदर की ओर जाके मैं भी सबके साथ जुड़ सकूं, इस जिंदगी में नहीं अगले लाइफ टाइम में, और मेरी जिंदगी भी सफल हो जाए। हम लोग जिन्हें इंसानी चोला मिला है, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। आप सोचो अगर 84 लाख जिया जून है, उनमें से हमारी आत्मा कहीं भी जा सकती है, किसी कीड़े मकोड़े में, किसी मछली में, किसी पशु में, किसी पक्षी में, मगर प्रभु ने दया मेहर की, जो सबसे अच्छा चोला है, जो सबसे उत्तम चोला है, जो सबसे ऊंचा चोला है, ये मानव चोला ही हमें दिया, क्योंकि इसी में वो सब पदार्थ दिए गए हैं जिनके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें प्रभु ने विवेक दिया, विवेक का मतलब होता है कि सच क्या और झूठ क्या उसका हम निर्णय कर सकते हैं, और उसका हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु ने हमें देन दिया, अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो नुकसान तो हमारा ही होगा, इसीलिए जो देने मिली हैं उनका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, यही महापुरुष बार 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 हमें समझाते आते हैं। आगे गुरु नानक देव जी महाराज कोयल का एग्जांपल ले रहे हैं कि कोकिल होवा आम बसा, कि जो कोयल होती हैं वो आमों के पेड़ में रहती हैं ज़्यादा, और सहज शब्द विचार, वो कह रही है वो अगर मैं कोयल हूँ तो मेरा ध्यान जो सच्चा शब्द है, जो सहज है, उसके अंदर हो। एक जगह कोयल से सवाल किया, काली कोयल तू कित गुण काली, क्योंकि कोयल की तो आवाज़ बहुत मधुर है, नाइटिंगेल है उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, गाती है बहुत खूबसूरती से। तो एक जगह फरमाया कि काली कोयल तू कित गुण काली, कि ये सवाल कोयल से किया कि भाई तू काली क्यों हो गई, तेरी तो आवाज़ इतनी अच्छी है, तो इतने लोगों को खुश करती है, तो आप काली क्यों हो गई? तो उसने कहा कि मैं काली इसलिए हो गई कि मैं अपने प्रीतम के प्रेम के वियोग में जल रही हूँ, मैं पिता परमेश्वर से दूर हूँ, उनके प्रेम की आग मेरे अंदर जल रही है और उसने मुझे जला 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 कर काली कर दिया। कि इस किस्म की जिंदगी होनी चाहिए जिसमें पिता परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में हर पल रहे, हमारा ध्यान उनकी और रहे और उनके सिवाय हमें और कुछ दिखाई ना दे। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि कोकिल होवा आम वसा, सहज शब्द विचार के ध्यान मेरा शब्द के अंदर हो, सहज सुभाए मेरा सेहो मिले दर्शन रूप अपार। वो कह रहे ध्यान मेरा जब शब्द के अंदर होगा तो फिर शरीर से मैं उठ पाऊंगी और अंदर में पिता परमेश्वर के दर्शन करूंगी और उससे मैं निहाल हो जाऊंगी और मैं उनमें जाकर लीन होंगी। आगे एक एग्जांपल मछली का ले रहे हैं कि मछली होवा जल बसा, कि जो मछली हो जल में रहती है, अगर जल से बाहर है तो जी नहीं सकती, जल ही उसको जीवन देता है। जी जंत सब सार उर्वार पार मेरा सह बसे होयो मिलोगी बाह पसार। वो कह रहे हैं कि उस पार, अब मैं ये समुंदर में आ गई हूँ, मछली हूँ मैं, पानी के अंदर बस रही हूँ और मैं जिंदगी के सार को जाना चाह रही हूँ। वो कह रही उस पार, उस समुंदर के पार मेरा सह बसे, कि उस पार। अब हम सब इस माया के महासागर में हैं, इससे ऊपर उठेंगे
तभी असलियत को जानेंगे। तो कह रही जब मैं जहां मैं फंस गई हूं यहां से जब ऊपर उठूंगी उस पार पहुंचूंगी तो वहीं मेरे साहिब बसते हैं, वहीं मुझे पिता परमेश्वर मिलेंगे और वो ओपन आर्म से बाप पसार करके होंगे कि वो चाहते हैं कि मैं आके उनसे गले मिलूं, वो चाहते हैं कि मैं उनमें जाके लीन हूं, वो चाहते हैं कि मैं 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाऊं। इस किस्म की जिंदगी हमारी होनी चाहिए, ये गुरु नानक देव जी महाराज हम समझा रहे हैं। और आखिर में बता रहे हैं कि नागिन हो, वो अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक हिरन का, एक कोयल का, एक बर्ड हो गया तो एक एनिमल हो गया, एक मछली हो गई, फिश हो गई, और एक ले रहे हैं आप नाग का जो कि रेंगते हैं जमीन पर, कि नागिन होवे धर बसा, कि जब अगर मैं नाग हूं तो मैं जमीन पर घूम रहा हूं, शब्द बसे भो जाए, अब तब मैं वहां से अंदर से शब्द को सुन सकूं। नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। तो कह रहे हैं कि अगर जो नाग होता है वो किसी को भी डस लेता है, उसकी जहर जब जाती है तो इंसान भी मर जाता है, और मन को 1000 हेडेड सर्पेंट कहा गया कि ये 1000 मुंह वाला नाग है मन, क्यों? क्योंकि वो हमें किसी ना किसी दुनिया की चीज में लगा देता है, कोई अट्रैक्शन में, कोई डिस्ट्रैक्शन में, कभी कुछ करके, कभी दुखी करके, कभी यहां ध्यान वहां दिलवाता है, कभी वहां ध्यान दिलवाता है। तो वो नाग हमारे अंदर आत्मा के साथ इस शरीर में हमारा मन, तो सुना रहे हैं कि जब उस मन का ध्यान पिता परमेश्वर में होगा, जब सिमरन करेगा, जाप करेगा, प्रभु के नाम का जाप करेगा, तो क्या होगा कि उसकी ताकत वहां चली जाएगी सारी, वो फिर हमें डस नहीं सकता, और तभी जाकर वो जो हमारी आत्मा है वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, पिता परमेश्वर में जाकर लीन होगी और सदा के लिए स्वागत हो जाएगी। सदा के लिए स्वागत का मतलब 84 लाख जो है जो उनसे निकल पड़ेगी, और उसको फिर बार 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 यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो गई, और जो बड़ी ज्योति है जो पिता परमेश्वर में, जो छोटी ज्योति है जो हम हैं, वो जाके मिल जाएगी कि जिन ज्योति ज्योत समाए। तो इन एग्जाम्पल्स के जरिए गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सब जो इस धरती पर आए हुए हैं हमारा मकसद है अपने आप को जानना और फिर पिता परमेश्वर में लीन होना। उस मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है, क्योंकि हम प्रभु की संतान है और उनसे मिलना हमारा हक है, और इंसानी चोले में प्रभु ने सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जिस कार्य से प्रभु ने हमें धरती पर भेजा है ताकि हम अपने आप को जान सकें और आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें, वो कार्य हम सबका पूरा हो, ताकि इसी जिंदगी में हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं और हमारी आत्मा सदा सदा के लिए प्रभु में जाकर लीन हो।